आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है। तेजापुर के वासियों, तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें हमारे सरदार देंगे, ठाकुर विक्रम सिंह। आप गरीब लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है शायद। हम बताएं, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो ना, उसकी इस ठाकुर से बड़ी गहरी दोस्ती है आजकल। अरे कभी कभी तो हमसे मशवरे करने आता है कि किसको मारा जाए और किसको जिलाया जाए, मगर आप लोग कुछ ज्यादा ही बहादुर हैं, हमसे भी नहीं डरते आप लोग हैं। कहा रे हरिया, तुम में से किसने पुलिस को खबर की, बोलो। डांटो मत, प्यार से पूछो, शांति से। ये बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्यों भाइयों? सरकार, माई बाप, हजूर, हम भोले वाले गरीब देहाती, भला हमारी क्या मजाल जो हजूर से गद्दारी करें। तुम लोग सचमुच भोले भाले हो, मगर अपने सीने में फौलाद का दिल रखते हो। जरा देखें तो ये दिल। तुमको ज्यादा ही भोले मालूम होते हो, है ना? देखिए इसकी हालत, जिंदगी और मौत में चंद गोलियों का फासला है, और अगर यह फासला जल्दी तय नहीं करना है तो चैन से जियो ना भाई। ऐसी हरकत काहे को करते हो? नहीं करोगे ना? अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता सर।
आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? लेकिन कब तक? यू नो इट वेरी वेल कि अखबार हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, पब्लिक हम पे उंगलियां उठा रही है और अब तो ऊपर से भी पूछताछ शुरू हो गई है। मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना यह है कि जैसे भी हो मैं विक्रम को गिरफ्तार करूं। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन पुलिस के नाम पर नाकामी का धब्बा नहीं लगने दूंगा। अपनी बेटी के लिए सबको मारेंगे। हाँ, अरे भाई मालती, ये क्या है? हमारी बेटी के गले में हार है, न कान में बूंदे हैं, आखिर हम इतना माल किसके लिए लूटते हैं? मैंने सौगंध खाई थी कि लूट के सामान में मेरा और बच्ची का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसकी वजह? तुम्हारे साथ फेरे लेते समय सोचा था कि हमारा एक संसार होगा जिसमें तुम्हारा राज होगा और मेरा प्यार। और अब देख रही हूं कि मेरे हाथों की मेहंदी तो मान पड़ जाती है लेकिन तुम्हारे हाथ न जाने कितनों के खून में रंगे हुए हैं। आखिर तुम्हें कोई और रास्ता क्यों नहीं सुझाई देता? मालती, हम किसी चीज के लिए तरसना जानते ही नहीं, क्योंकि जब हम गरीब थे तो हम पर भी किसी ने तरस नहीं खाया था। आज की दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी चीज है और वो ताकत हमारे पास है। ठीक है, आपके धर्मपुर के मेले में जब देवी के दर्शन को चलेंगे तो मुझे वहीं छोड़ाना। क्यों, अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो? अब वहां क्या मुंह लेकर जाऊंगी? देवी के मेले में हम अकेले ही जाएंगे। क्या कहते हो? मैंने बच्ची के लिए देवी माँ से मन्नत मानी थी, मुझे बच्ची को लेकर वहां जाना ही होगा। मालती, धर्मपुर में हमारे लिए पुलिस का दायरा तंग होता जा रहा है, कदम कदम पर खतरा है। हर सांस मौत के साए में लेते हो और मुझे देवी के पास ले जाते हुए खतरा महसूस करते हो? चाहते हो मुझे और बच्ची को देवी माँ का श्राप लग जाए? नहीं मालती, नहीं। तुम लोगों के सिवा हमारा दुनिया में ही कौन? इंसान तो क्या भगवान भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता? हम दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अभी बच्चा गिर जाता तो? बस यही गलत फहमी तो है दुनिया भर की माओं को। वो समझती है बच्चों से प्यार सिर्फ उन्हीं को होता है, बाप तो सब दुश्मनी होते हैं। डैडी, मम्मी डरपोक बहुत है। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे डैडी तो बहुत बहादुर हैं, यही ना? डैडी बहादुर होंगे मगर मेरे जीते नहीं। अगर मैं डैडी की जगह पर होता ना तो टैं 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 सारे डाकों को एक साथ फिनिश कर देता। इस पिस्तौल से? ये क्या चीज है? अभी मेले में जाकर नई पिस्तौल लेता हूँ, बिल्कुल असली। आप मेले में नहीं जाएंगे? क्यों, आज के दिन तो मेला है। आप मेले नहीं जाएंगे, मैंने कह दिया ना डैडी। अच्छा बेटा सूरज, किसी दो अच्छा बेटा, बाय 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 बाय। मैं तो मेले जरूर जाऊंगा। दुर्गा माता की जय, अम्बे मैया की जय। हम व्याकुल हैं माता, हमारी मनोकामना पूरी कर, जल्दी से दर्शन करा दे। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय। संभल के संभल के देख के चला करो बच्चा। मोतियाबिंद का नया नया ऑपरेशन हुआ है ना, ठीक से दिखाई नहीं देता है। वाह दुर्गा माता वाह, तेरे दर्शन को अंधे भी चले आते हैं। अरे आंखें भी तो यहीं से मिलती है महाराज। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय माता की, जय भवानी की। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सका तमेव। अरे दरवाजा बंद क्यों कर दिया महाराज? खोलिए ना। दो घंटे बाद खुलेगा। दो घंटे?
अरे नहीं भाई, हम बहुत दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, खोलिए ना। कह दिया ना, दो घंटे बाद खुलेगा, आरती के समय। ए भगवान, अच्छा भाई, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा। भगत के भेष में बगला भगत। कौन कौन तुम? डाकू विक्रम सिंह का पुराना दुश्मन इंस्पेक्टर शेखर। हमें क्या लेना देना है, हम तो गरीब यात्री हैं। मैं तुम्हारी यात्रा कराता हूं। देवी मां के भक्तों, इस राक्षस के भी दर्शन कर लो। ये है तुम्हारा दुश्मन डाकू विक्रम सिंह। इंस्पेक्टर, खबरदार, होशियार, हथियार फेंक दो, नहीं तो यहां लाशें गिरेंगी। लाशें गिरेंगी, लेकिन मंदिर के बाहर, ये इबादत की जगह है, यहां गोलियां नहीं फूल बरसाए जाते हैं। और इंस्पेक्टर, यहां कोई हंगामा नहीं होगा। ठीक है, चलो। शांति, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे को समझाइए, ये किसी की बेटी उठा लाया है। किसकी बच्ची है ये? मेले की भीड़ में ये बिचारी बिछड़ गई थी और रो रही थी, तो मैंने इसे उठा लिया। अब माँ कहती है इसे थाने छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ, अपना घर नहीं है। ऑफिसर जी, मेले में ये किसी की बच्ची खो गई है, इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। और जब तक इसके माँ बाप यहाँ तलाश करने के लिए ना आए, ये बच्ची हमारे यहाँ रहेगी। बस खुश। थैंक यू सर। कर दी ना आपने इसकी जिद पूरी। मैं कहती हूँ किसी तरह इसके माँ बाप का पता लगाइए, न जाने बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। हरिया को क्या हुआ? मैं पूछता हूँ हरिया को क्या हुआ? और मेरी बच्ची दीपा, कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी मुन्नी? हमें सिर्फ हरिया की लाश मिली। कहाँ मिली हरिया की लाश? मैं पूछता हूँ कहाँ मिली हरिया की लाश? बैठी हुई नदी के बीचों बीच, वहां और कुछ नहीं था,
बस सन्नाटा और आलिया की लाश। तुम्हारा मतलब है, तुम्हारा मतलब है कि मेरी बच्ची? शेखर से इसका बदला लूंगा, उसके सारे खानदान को जलाकर खाक कर डालूंगा। हैप्पी बर्थडे सूरज। थैंक यू। बच्चे जमा हो गए मम्मी डैडी के पास। चलो। अरे वाह वाह। अब जल्दी से फूंक मारो तो फिर हम लोग केक काटेंगे। बेटे शाबाश शाबाश। बेटा चलो चलो फूंक मारो। सभी गाली बजाओ। मां तूने मेरे घर की तबाही तो देख ली, अब मुझे बर्बाद करने वालों की बर्बादी भी देख ना। यह है तेरी बलि, यही है मेरा बदला, मेरी मुन्नी का बदला, उसकी शक्ति ही मां का बदला। देवी मां, मैंने आज तक कोई काम तेरी आज्ञा के बिना नहीं किया है। इस फूल को अपने हाथ से गिराकर इस बलि को स्वीकार कर और मेरे बदले की आग को ठंडा कर। बजाओ।
डंका बंद क्यों हो गया? बजाओ डंका! डंका फूट गया बेटा। ठाकुर फूल नहीं गिरा, तुम बच्चे की बलि नहीं दे सकते। ले जाओ, हटा लो उसको, मेरी आंखों के सामने से वरना अपराध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठाकुर इस बच्चे को मैं पालूंगा, दुश्मन के बच्चे को मैं पालूंगा। लेकिन मेरा बदला, इसके बाप को मैं तड़पाऊंगा, उसे ऐसी सौगात भेजूंगा जैसे देखकर वो सारी जिंदगी तड़पता रहेगा, रोता रहेगा। शांति, शांति, रोने से मेरी टांग वापस नहीं आएगी, ये समझ लो कि ये टांग अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी। शेखर बाबू, विक्रम सिंह के पीछे हमारी पूरी फोर्स लग गई है, जल्द ही कोई ना कोई खबर आ जाएगी। इंस्पेक्टर शेखर के नाम कोई पैकेट छोड़ गया है। कैसा पैकेट है ये? क्या है इसमें? मेरे सूरज के कपड़े। ये खत कैसा है? इंस्पेक्टर शेखर, इस छोटी सी गठड़ी में हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सौगात भेज रहे हैं। इनमें तुम्हारे बेटे के कपड़े हैं, इन पर उसी के खून के धब्बे हैं। अब इन धब्बों को जिंदगी भर देखते रहो और रोते रहो। तुम्हारा दुश्मन विक्रम। मैं ठीक हूं बेटा, तुम्हें इस वर्दी में देख के मुझे ऐसा लगा मैं फिर से जवान हो गया हूं। डैडी, आपकी दुआओं से मेरी ड्यूटी इसी इलाके में लग गई है और अब आपका मिशन मेरे हाथों से पूरा होगा। इसका मतलब यह है कि जो फसाद बरसों से दबा हुआ था वो फिर सर उठाएगा। मां, डाकू को पकड़कर कानून के हवाले करना मेरा फर्ज है, लेकिन डाकू विक्रम सिंह से इस घर की तबाही का बदला लेना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। काश आज मेरा छोटा भाई मेरे साथ होता तो एक बंदूक मेरे हाथ में होती और दूसरी उसके हाथ में। थानेदार को विजय सिंह का रामधाम कह देना। चलो,
डाकुओं ने हमें बर्बाद कर दिया। कौन सा गुरु था वो? वो लोग डाकू विक्रम सिंह की जय जयकार कर रहे थे सरकार, और उनमें से एक डाकू ने कहा मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह? हाँ हाँ सरकार, और जाते जाते उसी डाकू ने कहा थानेदार जी को हमारे राम राम कह देना। ऑफिसर। यस सर। मुझे पूरा यकीन है कि इस गांव का कोई ना कोई आदमी डाकू के साथ मिला हुआ है। तुम यहाँ के चंद लोग पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आओ। ओके सर। ये क्या उठा लाए हो? सोने चांदी के पुराने जेवर? पिताजी हमने कोई मकान कोई कोठी नहीं छोड़ी। मैं समझता हूं ये पहली मर्तबा है कि हमने इतना बड़ा हाथ मारा है। अगर ये तुम्हारा कारनामा है तो हमें तुम्हारा कारनामा पसंद नहीं आया। ले जाओ जेवरात को सुनार के पास दे दो और कहो कि पिघला के ईंटे बना दे। ये नाल तुमने बनाई है? मैंने ही बनाई होगी। होगी नहीं। तुमने बनाई है या नहीं? सैकड़ों घोड़ों की नाले बना चुका हूं। ओ, सैकड़ों घोड़ों की नाले बना चुके हो। और तुम्हारे गांव में घोड़े कितने हैं? जी जी वो घोड़े बाहर से आते हैं सरकार। हाँ, कहां से आते हैं किधर से आते हैं ये तुम्हें नहीं मालूम? पता है ये नाल एक डाकू के घोड़े की है। इंस्पेक्टर। यस सर। इन दोनों को बंद कर दो। ऑफिसर नेक्स्ट। चलो साहब बुलाते हैं। लगे अपनी बारी है। तू वहां चुप रही, मेरा जादू देख। सरकार तुम क्या बेचते हो? पाड़ बेचे है। तुम क्या बेचते हो? मैं कहीं बेचूं? सरकार ये फूल बेचे थे। पर इनकी दुकान इतनी नहीं चलती जितनी हमरे दुकान चलत है। सरकार मंदिर के ठीक सामने ही हमारी पान की दुकान है। पहले लोग हमरे दर्शन करत है, उसके बाद ही। ठाकुर, कभी तो तारीफ के दो लफ्जों से अपने बेटे का दिल बहा दिया करो। किसका बेटा? माना कि विजय शेखर का बेटा है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि वो तुमको अपना बाप समझता है। अपने जख्मों को कोई प्यार नहीं करता खान। ये लड़का तो मेरे दिल का नासूर है। इसे देखता हूं तो उसका बाप याद आता है। मेरी मासूम बिलकती ही बच्ची की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। अब सिर्फ ये परछाई रह गई है जिसे दिन रात सीने से लगाए रहता हूं। ला 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 ला। कैसी लगती हूँ बताओ? नजर का टीका लगवा लो। तुम्हारी नजर लगी नहीं सकती, जानते हो क्यों? हा? क्योंकि तुम मेरे प्यारे भाई हो। ओहो, चलो इसी खुशी में हम तुम्हें लिफ्ट देते हैं, लेकिन जाना कहाँ है? वो मेरी सहेली है ना सुनो, उसकी शादी है, पूरे दो दिन बाद आऊंगी। दो दिन? इसका मतलब ये हुआ कि दो दिन के लिए सारे घर में सन्नाटा। ठीक है, मैं भी दो दिन के बाद ही आऊंगा। क्यों, तुम दो दिन बाद क्यों आओगे? इसलिए कि तुम्हारे बगैर घर सूना लगता है। भैया इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो। शादी? तुम्हें तो शादी पे जाना है। चलो आओ शादी पे चलते हैं। बंद कर, इस भौपू को टह टह कर रहे हो है। मैंने सुन, आज मेरे जी में आ रही थी कि मैं थारा भेद खोल दूं, थानेदार से कह दूं कि तू विजय को चाबे है। तो थानेदार हमार की बिगाड़ ले। 14 साल को अंदर कर दे वो। अरे विजय बाबू की खातिर हम 14 जन्म अंदर हो जा। भाराजा भाराजा फूल मती, देख इसको धंधो है गोली को धंधो, बंदूक की गोली को, और थारो धंधो है तंबाकू की गोली को। थारा ते उसका कोई जोड़ नहीं, थारा ते मारा जोड़ हैगा। मैं थारा मजनू ते थे मारी लैला, और लैला का जोड़ मजनू से होवे है, रांझा से ना। अगर विजय बाबू रांझा बन जा तो हम ऊ की खातिर हीर बन जा।
अरे हीरवण के खीरवण तारी धार वहां गड़ने की नहीं है। अरे मारी मान विजय बाबू का ख्याल दिल से निकाल दे। कैसा निकाल दूंगी लोरी लाल, ओके मोहिनी सूरत मोहिबे का पान लागे, सूरत की रंगत दूध में भिगोया हुआ चुन्ना लागे, फोटो की लाली कत्थे की थल्ली लागे, हमका तो हीरो लगत है असल शशि कपूर। फूलमती, अरे मैंने भी कभी नजर भर के देख, मैं भी कोई ना कोई कपूर जरूर देखूंगा। देख देख, देख। तू कपूर लगत है? देख शीशे में थोबड़ा तो देखो। मारो थोबड़ो, मारो बाप जैसे कैसे होगी हो, मारो लंबो थोबड़ो चपटो कैसे हो, अरे मारी हरण जैसी आंख बैल जैसी कैसे हो गई, एक ही होगी हो। अबे बैल की औलाद, मेरी आंखें बैल की दिखाई देती है, खेत नागर का थोबड़ा चपटा दिखाई देता है। अरे मार मार के तेरा थोबड़ा चपटा कर दूंगा, जा शादी की ऑर्डर कैंसिल। अरे शादी का ऑर्डर कैंसिल कैसे, मैंने शादी का ऑर्डर मिला ही नहीं, कैंसिल कैसे? अरे नागरमण जी आयो को देखे हो, अरे मारी आंख पेड़ की आंख, हमारी आंख हर की आंख, मारो थोड़ो कदे को थोड़ो, आपको थोड़ो आपको आपको मुंह, आपको मुंह हंस को मुंह। सेठी शादी का ऑर्डर मन दे दो, मैं आपको ऐसो दूल्हो बनाऊंगा। शादी मेरी नहीं मेरी बेटी की है। अरे बेटी की है तो ऐसी कलियां सजाऊंगा, ऐसी कलियां सजाऊंगा, फूलों का सब ऑर्डर तुम्हारा, और पान गिलोरी और इलायची का हमरा। ब्याह कब है सेठ जी? मंगल को। अरे मंगल को शुभ दंगल होवे है के मुहूर्त निकालो है पंडित ने। मंगल वही जो इस मंगल को पढ़ रहे हो? हाँ वही मंगल। सजा दूंगो, सजा दूंगो। एक फूल वासी निकला तो कौड़ी में ले जाऊंगा, समझे? ताजा ताजा ताजा। अरे कौड़ी नहीं दोगे? अरे मने जो लेना होगा मैं ले लूंगो। जय हो विजय बाबू की, मंगल को। आबादी सिर्फ यहां तक है, इसके आगे जंगल है, खतरनाक जानवर हैं और खूंखार डाकू। लेकिन इस इलाके में पहुंचने का रास्ता कौन सा है सर? एक नदी है, मेरा ख्याल है इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, और वो नदी ये है। आज तरकारी बहुत भारी थी, आज तूने बहुत पैसे कमाए होंगे। हाँ ले अपने पैसे। कौन है रे तू? मुसाफिर। नाव में तो तू ऐसे बैठा जैसे तेरे बाप का बगीचा है, चल फुट यहाँ से। मुझे उस पार जाना है। तो फिर निकाल दो रुपए। दो रुपए? दो रुपए तो मेरे पास नहीं है। तो फिर तैर के चला जा, हट्टा कट्टा आदमी है। मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता? ना। जरूर तो चल फट यहां से। बड़ा आया, तैरना आता नहीं, जेब में पैसे नहीं, यहाँ बैठ के राम राम जप, बड़ा आया नाव में बैठेगा। अरे सुन, मेरा कंधा कुछ रोकड़ा है, दिखा मुझे। ये ले। अरे ये तो सिर्फ 1.5 रुपली है। हाँ। चल आ जा बैठ जा, तू भी क्या याद करेगा। ए तेरी पोटली में क्या है रे? ओ इस पोटली में, इस पोटली में सतुआ है, सतुआ तू खाएगी? धत सतुआ होता मैं नहीं खाती, तू ही खा। हाँ तू सतुआ क्यों खाएगी, तू तो मक्खन और मलाई खाएगी, तू तो नाव चला के इतना पैसा कमाती होगी। तेरे जैसे 1.5 रुपए वाले मिलते रहे तो झोपड़ा बेच के महल जरूर बना लूंगी। सभी मेरे जैसे थोड़े आते होंगे। हाँ 15-20 दिन में कुछ सब्जी वाले जरूर आ जाते हैं, उसी से अपनी दाल रोटी चल जाती है। अच्छा हाँ, और उस पार से कोई नहीं आता? अरे उस पार रहता ही कौन है,
कुछ मछेरे रहते हैं जिनकी अपनी नाव है, पर तू वहां क्यों जा रहा है? तेरा ससुराल है क्या वहां? अपना तो अभी लगन भी नहीं हुआ। तो लगन करने जा रहा है? नहीं नहीं, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। काम? काम और उस पर? हाँ। अरे काम वाम कुछ नहीं मिलेगा, भूखो मरेगा भूखो। ऐसा? अच्छा एक बात सुन, तू मुझे काम दे दे, मैं तेरी नाव भी चला दिया करूंगा और जब तू थक जाएगी ना तो तेरे पाँव भी दबा दिया करूंगा। मेरे पाँव दबाएगा? हाँ, और मुझे सरसों के तेल की मालिश करना खूब आता है, और मैं तेरी ऐसी मालिश करूंगा, ऐसी मालिश करूंगा कि तू खुश हो जाएगी। ओ हो, बहुत मेहरबान हो रहा है मुझ पे, सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? मुझे औरत जात पे बड़ी दया आती है। मैं मर्दों की जात को खूब अच्छी तरह पहचानती हूँ। मुझे निकाल दूंगी, जान प्यारी है। अरे नहीं नहीं, इस चाकू को जरा दूर रख, मुझे चाकू से बहुत डर लगता है। क्या मुसीबत है, ना तू खुद काम देती है और ना मुझे वहां काम मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? तू मुझे वापस ले चल, चल। अब आया ना सीधे रास्ते पे। हाँ। अरे सुन, तू यहाँ अकेली रहती है? तेरी अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे गोली लगी, उल्टू गोली लग गई मन्ने। अरे गोली लगी कहीं? कहाँ गोली लगी किलोरी? नहीं लगी, मैं जिंदा। अच्छा सुना किलोरी, कैसे आना होगा? अरे विजय भाया, मैं खुशखबरी लाया। खुशखबरी? आपके मंगल को, जो आपके आने वालों मंगल है, सेठ नागरमल सागरमल की छोरी को लगन होने वालों है, और सुसरो उसके लगन में 50,000 से कहीं कम थे को। अरे वाह गिलोरी, ये बात हुई ना, बस समझ ले वो 50,000 अपने हो गए। कहीं से हो गए, कहीं से हो गए। क्यों? अब के जो दरोगा है वो है ना गंगा। हाँ। और गर्जन वालों, बरसन वालों, धमाको है को। अरे ऐसे बहुत से नए दरोगे आए गए, मैं उस सेठ को ऐसा प्रेम पत्र लिखूंगा कि वो पुलिस के पास जा ही नहीं पाएगा। फिर तो आपके मंगल को दंगल हो जाएगा। अरे विजय भैया। हाँ फरमाइए, क्या बात है? हुजूर, ये मंगल किस दिन आता है? जी मंगल? मंगल मंगल के दिन ही आएगा, और कब आएगा? बस उसी दिन अपना शुभ कल्याण होने वाला है। हुजूर मेहमान आने वाले हैं। आने दीजिए मेहमानों को, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं हुजूर, बड़ी दुख की बात है। कैसे आने तू? बाप दादा की जमा की हुई पूंजी और मैंने भी इधर उधर हेरा फेरी करके जी जमा की हुई पूंजी सब लुट जाएगी। लुट जाएगी, देखिए ना मेहमानों ने चिट्ठी भेजी है। ओ, मेहमानों ने चिट्ठी भेजी है। सेठ साहेब, सुपुत्री के ब्याह पर हमारी शुभकामनाएं। दहेज की रकम में से हमारा हिस्सा बचा कर रखिएगा, हम खुद आकर ले जाएंगे। विक्रम सिंह का बेटा विजय सिंह। तो डाकू विक्रम सिंह संदेशा भेज कर आता है? हाँ हुजूर, बड़ा खतरनाक डाकू है वो। आप चिंता ना कीजिए, अपने घर जाइए और आराम से सो जाइए, सब बंदोबस्त हो जाएगा। हुजूर अब मेरे और मेरी हिम्मत बढ़ गई है। नमस्कार। 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 नमस्ते जी। बधाई हो। नमस्ते। नमस्ते जी। हाय। नमस्ते जी। माफ कीजिएगा। पटाखा? क्या कहा? अजी वो पटाखा जो फूटा और घबराहट में आपसे टक्कर हो गई, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। अच्छा होगा, मुझे चोट नहीं लगी, बस कपड़े खराब हो गए। सरिता, चाची ने कहा है दीवान साहब आने वाले हैं और उनका स्वागत तुम्हें ही करना है, जो जल्दी जो। ये नागरमल जी कहाँ गए शास्त्री जी? अंदर की बात है, भैंस की रकम लेने गए हैं। सुनिए क्यों, क्या हुआ? नाक साफ कीजिए। नाक साफ कीजिए?
मैं कोई बच्चा हूँ? मैंने तो देखा ही नहीं था, ये धाक तो मैंने देखा ही नहीं था, वो पटाखा दरअसल है। जी? नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। सेठ जी कहाँ हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। देखिए आप ऐसा कीजिए अंदर जाकर बैठिए। अच्छा। और मैं? आप भी अंदर जाकर बैठिए, नहीं तो फिर किसी से टकरा जाएंगे। जाइए। शुक्रिया। सुनो काका, वो सेठ मैं जल्दी में हूँ, बारात आने में देर है, आप बैठिए। शुभकामनाएं। आप फिर? अब क्या चाहिए आपको? जी एक छोटे से सवाल का एक छोटा सा जवाब चाहिए। पूछिए। सेठ नागरमल जी कहीं नजर नहीं आ रहे, मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक है। आपका शौक पूरा होने में थोड़ी देर लगेगी, वो जरूरी काम से बाहर गए हैं, आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। इंतजार तो जिंदगी भर कर सकता हूँ। वैसे ये फूल आपके हाथों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस एक और दे दीजिए ना, एक से दो भले। मेरे ख्याल में आप ये कांटे रख लीजिए, फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन ये कांटे काम आएंगे। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपकी तरह। एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप कहीं दिल फेंक तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं दिल जैसे नाजुक चीज को फेंकने की बदतमीजी नहीं कर सकता। सूची मैं तो बोर हो गई, तू एक टोकरा फूल भरकर यहीं खड़ी रहना, पता नहीं है मिस्टर ऑड कितने चक्कर काटे। अरे कुछ गाओ बजाओ भी, सबके गले सूख गए क्या? हम तो शाम से ही गला फाड़ रहे हैं, तुम भी तो कुछ गाओ ना। ठीक है अब मैं भी शुरू होती हूँ।
कहीं मेरी सादगी से, सादगी से मजे आज ले रहा हूँ मैं तुम्हारी बेरुखी से। मेरा दिल जो जिद पे आए, मेरा दिल जो जिद पे आए ये जरूर टूट जाए। न करो गुरूर इतना कहीं बात बढ़ न जाए। बैठ जाइए मुबारक हो, यहाँ जान जा रही है मुबारक हो। आप है साहब, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए 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 आइए। इंस्पेक्टर टेक योर पोजीशन। बोलिए सेठ जी, कहाँ है डाकू? तो जरा हमें भी तो दर्शन कराइए। वो तो मेरा ख्याल है। घबराइए नहीं, डाकू हमें देखकर शर्मा गए, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। मगर साहब वो जो नोटिस दिया था उसका क्या? ओ कागज का ये पुर्जा? उनके इसी तरह पुर्जे हो जाएंगे। विजय सिंह जल्दी इस कपड़े ले आओ, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। क्या हुआ विजय? खान बाबा आप पुलिस का ध्यान अपनी तरफ लगाए रखिए, मैं अभी आता हूं। विजय
जिस इंस्पेक्टर पे इतना नाज था अब पुकारो उसे। वाचन नहीं निकलती है। माल निकालो सब के सब, सब, सब के सब, और बांध भी दो। ये भी काम मैं करूं। अच्छी बात है, एक बंदूक क्या क्या नहीं करवाती। जल्दी मोटी हो जाने बाप रे, बांध दिया हो तो अब इसे अंदर रख दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम अपने बाप से कह सकोगे हम आए थे। हुजूर मेरे बाप को मरे हुए 40 साल हो गए। तुम्हारे नए बाप से ये इंस्पेक्टर जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनसे कह देना कि उन्होंने हमारी चिट्ठी के पुर्जे किए थे, हमने उनके गुरूर के पुर्जे पुर्जे कर दिए। राम राम। मैं बच गया। डाकुओं के पास एम्युनिशन बहुत ज्यादा है, राइफल्स रिवॉल्वर्स गोलियां, कोई ना कोई ये माल उन तक जरूर पहुंचाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस जरिए से ये माल उन तक पहुंचता है। आपने बताया था कि नाव ही एक जरिया है, और वो नाव वाली हो सकता है कि वो लड़की डाकुओं से मिली हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से मिल चुका हूं, वो तो बेचारी सीधी साधी एक देहाती लड़की है। तो फिर डाकुओं को एम्युनिशन कौन पहुंचाता है? चल गुनाम जल्दी कर जल्दी। अबे ओ चलते हैं चलते हैं, जब देखो साले हवा के घोड़े पर सवार होकर आते हैं। चलो चलो। नाराज काहे को होती है ना। अबे ओ खजक साले। क्यों बे, इस तरकारी का क्या नाम है? अरे दिखा तो सही, ये तरकारी में गोली किसने रख दी? तुम्हारे बाप चौधरी ने। चौधरी मुंह संभाल के बात कर, चल जल्दी ना चला। बच्चू अब ये नाव नहीं चलेगी। क्या? चल उतर मेरी नाव से। चौधरी तेरी खोपड़ी तो नहीं भर गई? मोटू खोपड़ी तो मेरी आज ठिकाने आई है, मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। तुम लोग डाकुओं को गोली और कारतूस पहुंचाते हो। रामजदी तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है। आज तक तुम लोगों ने मेरी जबान देखी, अब मेरा हाथ भी देख। माफ करना यार, मैं यहाँ बिन बुलाए चला आया। अब पहले अपना पिस्तौल तो उठाओ, ले लो को, इतना मार के दूसरी दफा यहां आए। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और रुक जाओ। अरे बस मुसाफिर बस। तूने बुलाया तो मैं आ गया। लो। अरे वाह मुसाफिर, तू तो बड़ा जोरदार निकला। अरे सुसरे भाग नहीं जाते तो मैं तुम्हें और चमत्कार दिखाता। आजा। अरे आज अब हाथ दे। अरे आजा तू भी आजा। आजा अरे मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जल्दी से कपड़े उतार। कपड़े? अरे भीगा हुआ है, सर्दी में छिटर जाएगा, उतार। लेकिन मैं, लेकिन तुम्हारे सामने। ठीक है रुक। ये ले आ मेरे साथ। अरे तू रजाई लपेट ले, मैं तेरे लिए आग जलाती हूं। तेरा नाम क्या है रे?
मेरा नाम मुसाफिर 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 अरे ओ मुसाफिर और पैसेंजर किसी का नाम होता है क्या? अपना तो यही नाम है और यही काम है, चार पैसे कमाने के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। वैसे मेरा नाम है बिरजू बिरजू। अच्छा तो तेरा नाम बिरजू है? हाँ, और तेरा नाम क्या है? पूनम। पूनम? झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या मतलब? तेरा नाम है पूनम का चांद। अरे तू हंस क्यों रही है? ऐसा लगता है जैसे चांद पहाड़ के पीछे छुप गया है। चला जल्दी आ। अरे तू इतने बड़े घर में अकेली रहती है? हाँ बिल्कुल। एक बात तो बता, वो लोग कौन थे जिन्होंने तुझ पर हाथ उठाया? वो चौधरी के आदमी थे। चौधरी के आदमी? हाँ, मुझे क्या मालूम था कि साले बैंगन और टमाटर में छुपा छुपा के डाकुओं को कारतूस पहुंचाते हैं। मैं अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, मगर हरामजादे आज तक मुझे चक्कर देते रहे। आज तो वो मुझे मार ही देते। वो तो अच्छा हुआ तू आया, तूने मुझे बचाया। तेरे आने से ऐसा लगा कि भगवान आज भी इस पापी संसार में है। क्या चोट ज्यादा आई है? हाँ आई तो है। देखो पहले के पूनम की जिंदगी में तूफान आए, चला जा यहां से, भगवान के लिए चला जा। कहां छुपे बैठे हैं? मैं यहां हूं चौधरी साहब। लगता है चांद बदली में से निकलाया। इस सुंदर बुखड़े के साथ यही लिबास जगता है मेरे सरकार। इस बस्ती में किसी और को भी मिलना। ये लीजिए आपकी रकम, देन लीजिए। सरकार मुझे अपनी गिनती से ज्यादा आपकी ईमानदारी पर भरोसा है सरकार। 13-14 माल भेज दिया। कब का? अब तक तो मेरे आदमी दरिया पार भी कर चुके होंगे। 19-20। मेरे पापे, मेरे बादशाह, मेरे शहनशाह, क्या बात है? आप कहाँ अटक गए मेरे सरकार? चौधरी साहब अपना दूसरा काम भी बन गया। चल भवानी। स्वीटी ए, आ दोस्ती कर ले। अबे चिल्लाने दे अपनी मालकिन को, तू तो बिस्किट खा रहा। आजकल रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। बड़े बड़े खाते हैं, तू तो छोटा कुत्ता है। ये ले। स्वीटी। ओह माय गॉड। ये कुत्ता किसका है कोई इसका मालिक? अरे ये तो मेरे गले पड़ गया है, कब तक इसे सीने से लगाए रखो? इसे तो बिस्किट खिला खिला कर मेरी छुट्टी हो गई है। Hey, कोई माइकल आओ जो इसके मालिक का पता बता सके। आप? जी पहचान लिया आपने? क्यों नहीं, भला आप भी कोई भूल जाने की चीज है? जी शुक्रिया, तो मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। पहली मुलाकात में लोगों पर मेरा बड़ा असर पड़ता है। माफ कीजिएगा, असर आपका नहीं आपके गाने का हुआ है।
वो प्यार का गाना खास मैंने आपके लिए गाया था। अरे वाह, आप तो जबरदस्ती गले पड़ने लगे। आपकी जाते शरीफ? बिल्कुल शरीफ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी असलियत क्या है। मैडम, आजकल के जमाने में असलियत की पहचान इतनी आसानी से नहीं होती। फिर भी आप है कौन? दुश्मन हूँ दुश्मनों का, मैं यारों का यार हूँ। दुश्मन हूँ दुश्मनों का, मैं यारों का यार हूँ। है प्यार अगर जुर्म तो मैं गुनहगार हूँ। दुश्मन हूँ दुश्मनों का, मैं यारों का यार हूँ। कौन? वही जिसने हमारे कारतूस पानी में फेंक दिए। कहाँ है वो हरामखोर? भैया, वो हरामखोर नहीं, देवता है, जिसने तेरी बहन की जान बचाई, वरना तेरी बहन की लाश पानी में बह गई होती और तू मेरी चिता पर आग बिना दे सकता। तेरी चिता तो आज इसी घर में ठाकुर की गोलियां से जल गई होती अगर तू मेरी बहन ना होती। भैया, जिंदगी किसी सेठ की तिजोरी नहीं जिसपे तू और तेरा ठाकुर डाका डाल सके। बकवास बंद कर। वो बदमाश इस घर में नहीं आया, अपनी मौत के मुंह में आ गया है। पूनम सुन, तू ठाकुर का काम उसी तरह करेगी जिस तरह आज तक करती आई है, समझी? नहीं करूंगी भैया।
मेरी हिम्मत ना आजमा। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बोल करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करेगी। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पूनम। हाँ भैया, मुझे मार डाल, मार डाल, फिर भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। भगवान के लिए जिद मत कर पूनम, मैं तुझे भाई के नाते कह रहा हूं। मैं भी बहन के नाते कहती हूँ, तू डाकू का साथ छोड़ दे, मैं तेरा हर हुक्म मानने को तैयार हूं। इस माल को तार पत्री से ढाक देना, होशियारी से। नदी के उस पास विक्रम सिंह के आदमी आकर माल ले जाएंगे, समझे? और अगर ये माल वहां तक पहुंचे नहीं तो आप इसे गिरफ्तार कर लो। सरकार माफ कर दीजिए, अब तो बात खुली गई है, मैं एक प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। चलिए फरमाइए। बात यह है कि डाकुओं से बहुत माल मिल जाता है, मैं तो अकेला आदमी हूँ, कब तक खाऊंगा? आधा आधा बांट लेते हैं। उल्लू के पट्टे, इंस्पेक्टर गंगा को रिश्वत देना चाहता तू? मान गया सरकार, मान गया, आप गंगा की तरह पवित्र हैं। कोई और रास्ता बताइए ना, उम्र भर के लिए गुलामी करूंगा। कमिया हुक्म सरकार। उम्र भर की कैद तो तुम्हें होगी, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो डाकुओं का अड्डा बता दो। डाकुओं का अड्डा? सरकार वो मुझे जान से मार देंगे। वो तुम्हें जान से मार देंगे या हम? बोलो। बताता हूँ सरकार, बताता हूँ, नदी के पास 7 मील दूर। अपने आदमियों से कहो हथियार डाल दें। विजय सिंह को गिरफ्तार करने वाला अब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। एक माई का लाल पैदा हो गया है विजय सिंह, और उसका नाम कान खोल कर सुन ले, इंस्पेक्टर गंगा। अगर तुम्हें अपनी बहादुरी पर इतना नाज है तो आज इसका फैसला भी हो जाएगा। विजय सिंह, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है। अच्छी खबरें लाए, चौधरी मारा गया, उजागर पकड़ा गया और तुम अपने हार के ढोल पीटते हुए यहां चले आए। तो एक काम और कर लेते, अपने साथ थोड़ी सी कालक ले आते ठाकुर विक्रम सिंह के मुंह पे पोतने के लिए। पिताजी चुप रहो,
तुम और तुम्हारी ये भांडों की टोली छोड़ दो डाके डालना, पुलिस में भर्ती हो जाओ। तुमसे तो वो वर्दी वाले अच्छे हैं जो कल भर्ती होते हैं राज ठाकुरों का सर झुका देते हैं, और तुम जानते हो कि तुमने किससे मात खाई है, उस नए रंगरूट गंगा से। और ये भी बता दूं कि गंगा कौन है, तुम्हारे खबरी का कहना है कि गंगा शेखर का बेटा है, इंस्पेक्टर शेखर का, जो लंगड़ा लूला होते भी पहाड़ से बेटा पैदा करता है ठाकुरों का मुकाबला करने के लिए। बरसों के घाव में आज फिर टीस उठी है, यादों के जख्म आज फिर से हरे हो गए हैं। सुनो, हम तुम पर दया नहीं करेंगे, तुम्हें एक मौका देंगे ताकि उस सांप की औलाद का सर तुम अपने हाथों काट कर लाओ। दिलावर। हाँ ठाकुर। उजागर हवालात में है और उसकी एक एक सांस। ठाकुर भरोसा रखो, उजागर आन वाला है और आन वाले अपनी जान दे देते हैं मगर जबान नहीं खोलते। बोलो तुम्हारा अड्डा कहाँ है? थक गया हूं। तुम पूछो, साले को सोने मत देना। कुछ बोला? नो सर, बहुत डीट है। कोशिश जारी रखो, कभी ना कभी तो टूटेगा। डरो नहीं, बता दो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुमको आजाद कर देंगे, तुमको सरकारी गवाह बना दिया जाएगा, बल्कि विक्रम सिंह की गिरफ्तारी का इनाम भी तुमको मिलेगा। बोलो बोलो, तुम्हारा अड्डा कहाँ है? बोलो कहाँ है तुम्हारा अड्डा? हाँ, बोलो। शाबाश, बोलो तुम्हारा अड्डा कहाँ है? बोलो। साले, हम सर समिट। ऑफिसर। यस सर। इसे लॉकअप से निकाल के जेल में ट्रांसफर कर दो। ग्लोरी लाल, क्या ये खबर सच्ची है कि दरोगा गंगा प्रसाद ने यहाँ से बदली करा ली? बदली? अरे देश निकालना हो गया उसको तो। अरे विजय बाबू ने ऐसा करारा प्रेम पत्र भेजा कि दरोगा जी धुंधला के भाग लिए। अरे अच्छा ही हुआ कि जान छूट गई। बहुत कसौटी पर घिसता था हर एक। हाँ, सबको थाने में बुलाए बुलाए के बड़े डंडे बजाता रहा। अब बैंड बजेगा उसको, बैंड के शेर सुन लो जय भवानी की। अरे हमारा बोल बाला हो गया और दुश्मन का मुंह हो गया। अबे हवालदार के बच्चे, धक्का देता है साले, मुझे बाहर निकलने दे, मैं तुझे चीर के फेंक दूंगा। अबे चुप बे। अबे जा जा, कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। कभी चंबल की घाटियों में मिल गया ना बच्चे तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। याद रखना, मेरा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह। लगता है सारे सिंह यहीं इकट्ठा हो गए हैं। चल तू पांव दबा। कौन सा बड़ा
ए गिलोरी लाल, इस सबेरे सबेरे दुकानवा बंद करके कहाँ जात हो रे? कठे भी जा रही उतने कहीं है। हाय दया, ए सुन तो सुन ना, हम जाने थे तू कहाँ जात है? विजय बाबू के यहाँ जसन माँ, हम का भी ले जाना काहे? हम उस जालिम के दिल में उतर के देखा कि हमारा प्रेम कितने पानी में है। बाहर निकलिया पानी में से, विजय तारे शीशे में नहीं उतरने को है। अरे एक बार मिलाए तो दे, उसके बाद तू जो कहेगा फूलवती मान ले। मैं जो बोलूं तू मान ले? मान ले। मैं जो बोलूं तू मान ले? राम कसम मान ले। वर्षे को आजा, मैं थारी आंखों पर पट्टी बांध के ले जाऊंगी। भैत तेरी, हमारी आंखों पे पट्टी बांधेगा तो हम विजय बाबू को देखेंगे का है? अरे बैठे जाके पट्टी खोल दूंगो। खोल दे? और सुन अठिया, अठे को आजा, देख तैने अगर कह दी कठे गई थी तो हम दोनों बंदूक से छर्रे हो जाएंगे। राम कसम, हम किसी को नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगी ना? हम का ले जा। हाँ ले जाएंगे। हम अब तैयार हो क्या? आ जा। अरे अब तो खूब घुटेगी भंग, और अब तो खूब जमेगो रंग तक।
बाप से पहले ही पहुंच गया था। माफ करना उस्ताद, मैं तो आप ही के लिए ला रहा था, लेकिन जरा प्यास ज्यादा लग गई थी। प्यास लगी? हाँ जी हाँ जी। लो, अपनी प्यास बुझा लो। ये क्या हो गया? नहीं ना। दो सिंहों में? मेरा मतलब है दो सिंह आपस में लड़ रहे हैं। जल्दी चलिए। चलो क्या हो रहा है? अरे ओ चाचा, क्यों औरतों की तरह मुंह फुलाए बैठा है? मर्दों का आपस में झगड़ा तो होता ही रहता है। अगर मैंने चार हाथ मारे हैं तुझे, तो तूने भी दो ऐसे हाथ जमाए हैं कि अभी तक बदन टूट रहा है साला। अरे ये तो इस सुसरी जेल के खाने ने कमजोर कर दिया है। अबे तू कहीं बाल मिलता तेरे टुकड़े करके फेंक देता साले। देख चाचा, तू भी डाकू मैं भी डाकू, मैंने तीन खून किए हैं और एक आध खून तो तुमने भी किया ही होगा। पांच खून किया मैंने, पांच। बाप रे बाप, फिर तो सचमुच तुम्हारा चाचा है। ए चाचा इधर तो आ। आज चाचा भतीजा की दो प्यार की बातें हो जाएं। क्या बात है? बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ जा। मेरी बीवी बोल। देख चाचा, हम दोनों की जात एक, बरादरी एक और पेशा एक, फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक काम कर डालें? देख चाचा, हम दोनों को उम्र कैद हुई है। हाँ हुई है, फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। अरे सड़ेंगे, आगे तो बोल। पर काय को सड़ेंगे चाचा? चाचा अगर तू मेरा साथ दे तो हम दोनों यहां से भाग निकलते हैं। क्या बच्चों जैसी बात करता है बे? यहां जरा सा पत्ता खड़कता तो सभी को खबर हो जाती है। भागना इतना आसान समझता क्या? चल जाके सो जा, सो जा। तरकीब लेके आ साला। बात सुनो चाचा, मेरी पूरी बात तो सुन। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सोच लिया है, तेरी समझ में आया तो ठीक है, वरना जिंदगी भर यही तो सोना है। चल इधर आ। कहां निकल रहा? क्यों बे? ओ चाचा मर गया, मर गया। मेरा पेट, ओ मेरा पेट। ओ मैं जाने क्या खिला दिया, चिपकली थी दाल में। ओ मर गया। ओ पेट, ओ मेरा पेट, ओ मेरा पेट। ओ चाचा क्यों मर गया? मैं मर गया। क्यों क्या हो रहा है? पेट, ओ मेरा पेट। ओ उठो, मैं कहता हूँ। मर गया चाचा। नहीं मरना चाचा। तू यहाँ क्या कर
अरे टांगे वाले, ओ टांगे वाले, क्यों बुमा बुम कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मैं घोड़े को घास खिला रहा हूँ? अम्मा यार, हर 5 मिनट के बाद तुम टांगा रोकते हो और घोड़े को घास खिलाते हो। आखिर ये घोड़ा है कैसा तुम्हारा? बस बस साहब, वहीं रुक जाएगा, आगे मत बोलिए। देखिए साहब, जो जी मैं मुझे बोल दीजिए, लेकिन मेरे घोड़े का कुछ मत बोलिए। घर में मेरी बीवी मुझे बहुत डांटती है, लेकिन घोड़े का कुछ है कह सकती। अच्छा बाबा, तू टांगा चला। साहब कैसे चलेगा, जब से हम गाड़ी में बैठा है तब से घोड़ा घास खाना बंद कर दिया। घोड़ा अगर घास नहीं खाएगा तो हम गाड़ी कैसे चलाएगा? बैठे लो। अरे मेरे बाप, मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचा, मुझे देर हो रही है, गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी यानी ट्रेन? हाँ हाँ ट्रेन। आप एक काम करो, घोड़े को घास खिलाओ। क्या? हाँ, वो आपसे बहुत नाराज है, शायद खुश हो जाए। लाओ। हाँ जाइए। देखा अब खा रहा कि नहीं खा रहा? हाँ, आपसे बहुत खुश होगा, पहले कहा था। अरे किस गधे ने तुझे टांगा चलाने की राय दी थी, ये तो तेरा काम ही नहीं है। अब लगे रहिए, लगे रहिए। क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? अभी बता दो। ठहर, चलो चल, जोर दे दीजिए। अरे नहीं, अबे साली घड़ी भी अंग्रेजी और ये कपड़े भी अंग्रेजी। लगता है सारा किसी अंग्रेज को लूट के लाया और हमने उसको लूट लिया। अरे चाचा, ये तुम्हारे हिस्से का रेडवा और ये हमारी घड़ी। अब हम चल दिए चाचा। राम राम। अरे पर तू जाएगा कहाँ भाई? अब चाचा जाके कोई धंधा वंदा करें, बहुत दिनों के डाका नहीं डाला। हमारे साथ मिलकर धंधा करोगे? नहीं चाचा नहीं, हम अपना शिकार अकेले ही खेलते हैं। भतीजे, शिकार मिलकर खेलने का कुछ मजा ही और है। डाकू विक्रम सिंह का नाम सुना है तुमने? मैं उसी का आदमी हूं। ओ, सोच ले। सोच लिया। जाओ। मुफत हुए बदनाम समरिया थारे लिए। अरे उसके आगे खूब नाच रही थी, फुदक रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, दौड़ रही थी। अरे थारे समरिया ने घास तो घास, कूटा भी ना डाला थारे आगे। अब फूलमती, अरे मैं तो कहूँ मारी बात मान ले। अरे फूलमती साजे तू ग्लोरी लाल को सजे और साजे पे शेर सुन ले। अरे बसर राजे धीरी कहकर चली लो ख्वार हो गए है और निकल जावे है जब खुशबू तो गुड़ बेकार हो गए है। गुल तेरा समझेगी, अंग्रेजी का है, गुल कहने हैं फूल को, फूल यानी के ते। कौन? मैं। बबत्ती चल गई, हाथ जल दो। क्यों कर रहा है गुलिया? ऐ मैं गुल आई या? फूलमती, मेरा मतलब रानी फूलमती, एक बड़े प्यार से नाल, जोरदार मेरे से पान ला दे। लगा थे। चलो भगवान जी, पहले मारा काम हो दो। अब फूलमती, इतने माला मैंने अपने हाथों से बनाई है, अने पहन ले। हम का नहीं चाहे, किसी गधे के गले में डाल। गधा, अच्छे कटे गधा। खोता? मैं खोता? खोता? मैंने इंग्लिश नहीं आती। खोते ले आप पुत्रा, तेनू मैं सिखाना। लो घुटली हार पाना। लो घुटली। छोड़ दो, छोड़ दो मैंने, छोड़ दो। भाई सिंगिंग। बड़ी शक्ति का वो है। अरे? नोटिस कमाल, कोई गल नहीं, जिते मिलेगा वेख लांगा, पर डी बस में एक ही करके रख दंगा, एक ही करके। पान तहार। ग्लोरी लाल, तारी किस्मत फूट गई, अपने फूलमती काहे मिलन लग गई। अरे बड़े पहलवान, अठे डाकू, अरे दो पटन के बीच में फंस गयो रे भाया। ग्लोरी, मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन इससे पहले जरा पान वाली याद का पान तो खा लें। अरे रे भाया, क्या कर रहे हो? आज सारे पान बासी हो गए। मस्त ताजा खबर सुनो। सुना। सारो सार रस्सी तुड़वा के भग लियो। क्या भगते हो? समझ का ही नहीं रहा विजय बाबू। अरे थारो सार ससुराल से निकल के मैके पहुंच गयो। क्या वो जागर जेल से भाग गया?
मगर थाने में तो सन्नाटा था। सन्नाटा तो होएगो, उस डंडा बजाने वाले थानेदार की बदली हो गई, न जाने का को निकल लियो। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? मैं तो समझो सर दूसरी खुशखबरी सुना रही हो। नहीं, नहीं, मैंने सौगंध खाई है, जब तक उस इंस्पेक्टर के खून का तिलक अपने माथे पर नहीं लगाऊंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। क्या बात है विजय बाबू? कुछ नहीं है? नमस्ते। अरे तुम इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी है। मुझे विजय सिंह कहते हैं। हाँ मम्मी, वैसे लोग इन्हें विजय सिंह कहते हैं, नाम इनका विजय है। नमस्ते माँ जी। ओ क्या बात है, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ मम्मी, चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं बेटा, ठीक हूं। सूरज की रोशनी से आंखें चुंधिया गईं। मम्मी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। अच्छा? अरे नहीं बेटा, खून है, कभी कभी जोश में आ जाता है। तुम सरिता से कहां मिले थे? जी वो मम्मी, वो मेरी सहेली सुल्लू की शादी थी ना, वहीं मिले थे। सारी महफिल को सर पे उठा लिया था इन्होंने। अरे हाँ याद आया, उसी शादी में तो डाका पड़ा था, सेठ जी बेचारे बच गए। अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? पास ही हमारा घर है, चाय पी के जाना बेटा। माँ जी फिर कभी। लेकिन मंदिर भी तो जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, दर्शन किए बिना जाना ठीक नहीं। लेकिन आज के दिन भगवान से जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा, आओ। तुमसे यही विनती करती हूँ, हमारे हरे भरे घर पे कोई आंच ना आए, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे बेटे को सलामत रखना। मांगो बेटा, आज भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मेरी एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है, मुझे क्या चाहिए तुम जानते हो। हे भगवान, आज तुम्हारे आंगन में ये नया फूल मुझे मिला है, इसकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरी कर देना। भवानी का ये दूसरा प्रसाद कौन है? संग्राम सिंह, जिसका नाम सुनकर बच्चे तो क्या बड़े भी डल जाते हैं। अच्छा तो बहुत बड़े सूरमा है ये। ये इसी का जिगरा है कि हम जेल तोड़कर भागा। तो ये तुम्हारे जेल के साथी हैं? जेल में तो मामूली चोर उचक्के भी तो रहते हैं। किस में इतना दम है जो संग्राम को चोर उचक्का कह सके? नहीं, पहले इसकी पट्टी खोलो। अ
पर हाथ उठाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे? तलवार की धार पर चलने वाले ये परवाह नहीं करते कि कट जाएंगे। आदमी है, बहुत जमाने के बाद ऐसे आदमी से टकराव हुआ है, जरा और आजमा ले। नहीं विजय, इसने अनजाने में तुम पर हाथ उठाया है, पहले इसे बता दो कि तुम कौन हो। विजय सिंह का नाम सुना है? हमने तो विक्रम सिंह का नाम सुना है, ये विजय सिंह कौन है हम नहीं। संग्राम सिंह, ये हमारे अन्नदाता हैं, हमारे सरदार ठाकुर विक्रम सिंह। अगर से तुम्हारी बहादुरी के कारनामे सुने, पसंद है? हमें भी आपसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी, आज वो भी पूरी हो गई। आज से हम तुम्हें अपने दल में शामिल करते हैं। विजय, एक बहादुर आदमी हमेशा दूसरे बहादुर की कदर किया करता है, इसलिए आज से तुम इसे अपना साथी समझो, अपना भाई समझो। गले मिलो इसे। शेखर, मुझे यकीन है कि तुम्हारा बेटा अपनी मंजिल तक पहुंच गया होगा, लेकिन अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। हमने उनको इस मिशन पर जाने से मना भी किया था, लेकिन वो मानते कब हैं? गंगा खतरों का मुकाबला करना जानता है, वो मेरा बेटा है। विक्रम सिंह का सर कुचलने के लिए अगर मेरा दूसरा बेटा भी जिंदा होता तो मैं उसे फर्ज के रास्ते पर कुर्बान कर देता। सुनते तुम? नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये सब प्लान आपने बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे टाने वाले बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने इनको मुसाफिर बनाया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। आपने हमको लूटा है, कुछ नहीं कहा। आपने हमको मारा है, कुछ नहीं कहा।
मैं यही पूछना चाहता हूँ कि डाकू ने कम मारा है और आपने बहुत छोड़ना है, बहुत मारा है। अभी क्यों क्यों? गौर से सुनो, मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर यहां लाया गया है। मुझे रास्ते का कुछ पता नहीं, मेरे दूसरे मैसेज का इंतजार करो, समझे? ओवर। गंगा को कुछ पता चला इंस्पेक्टर? यस सर, यही कहने में आया था। कल रात ट्रांसमीटर पर उनका मैसेज मिला कि वो डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गए। इट्स ए गुड न्यूज सर। इट इज ए गुड न्यूज। वो उस जगह पहुंच गया है जहां मैं भी नहीं पहुंच सका। मैं कामयाब नहीं हो सका, लेकिन लेकिन वो कामयाब हो गया है। सिर्फ फिक्र इस बात की है कि इंस्पेक्टर। यस सर। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। ओके सर। कहां है गंगा? क्या खबर आई है उसकी? तुम्हें बता तो दिया है कि वो ये नहीं बताया था कि उसे डाकुओं के अड्डे पर भेज दिया गया है, ये नहीं बताया था कि उसकी जान खतरे में है। शांति शांति, ये काम ही ऐसा है। फर्ज की खातिर कदम कदम पे खतरों का सामना करना पड़ता है। ये काम, ये फर्ज, इस घर के दरों दीवार को जला के राख कर दिया है इस फर्ज ने, तुम्हें अपाहज बना दिया है इसी काम ने, मेरी गोद से मेरे लाल को छीन के खून के धब्बे छोड़ दिए इस फर्ज ने। शांति कहाँ है शांति? आग भर के देखने को एक बचा था, उसे भी ऐसी जगह भेज दिया कि जहां से खबरें आती हैं, खबरें आती हैं, आदमी लौट कर नहीं आता। अरे फूल गेंदवा नम्मा तो नम्मा पतल पहलवान मारे वो मारे वो मारे को छुप जा मारे को मारे को। पहलवान जी नमस्कार। सुना है मजनू दे पुत्रा, उस दिन से तू गायब हो गया था। फूल हुंदस छोटा तुमने के मैं मने इंग्लिश नहीं आती पहलवान जी, उस दिन मैंने हार की माला पहनाई थी, आज फूल चरणों में अर्पण कर रहे हो, आप नीचे देखो मैं खिसे करी हूँ। फूल चरण फूल चरण याद आए ने खोते रे पुत्रा, उस दिन खोता कह के गायब हो गया था। हाँ फिर मैं अभी आ रही हूँ। उन उंगली भाग के किसे दौड़ना है दासू? एक बड़ा पुराना हिसाब है, हिसाब है जी, कहे तो गिले गिले है। अरे तुम मंडे खाएगो खोता कौन है? हेलो हेलो, मैं 3X बोल रहा हूँ। इस 3X पकड़ गए? अबे पकड़े नहीं गए, अब तो चुप रहे और मेरी बात गौर से सुन। अच्छी बात, लिखो लिखो। कल रात 10 बजे सेठ करोड़ीमल के घर पावनवाड़े में टाका पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? टाका पड़ने वाला है बेवकूफ, मेरी बात गौर से सुन। सारे डाकू एक साथ पकड़े जा सकते हैं, पावनवाड़े के इलाके को घेर लिया जाए, मैं गोली चलाकर सिग्नल दूंगा और फौरन अटैक कर दिया जाए, समझे? ओवर। अच्छी बात है, लिखो। सब तैयार है सर। ठहरो, आज पावनवाड़े पर हमला नहीं होगा। क्यों? खान बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हम तो सारी तैयारी कर चुके हैं। कोई बात नहीं, हमला किसी और दिन होगा, आज मेरा खान बाबा के पास रहना बहुत जरूरी है। खान चाचा बीमार हैं लेकिन हम बीमार नहीं, हमला आज ही होगा। अपनी जबान से पलटना डाकुओं की शान के खिलाफ है। संग्राम, इस जत्थे में या ठाकुर का हुक्म चलता है या उनकी आज्ञा से मेरा हुक्म। विजय,
संग्राम ठीक कहता है, हमें अपने उसूल नहीं तोड़ना चाहिए, हमला आज ही होगा। लेकिन बाबा आप साथ नहीं होंगे तो मैं एक कदम भी नहीं उठा सकूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हालात का मुकाबला करना ही बहादुरों का काम है। चलो। राम, तुम अकेले अंदर जाओ, जब सब ठीक ठाक हो तो गोली चलाकर हमें सिग्नल देना। जाओ। करें? नहीं, इंस्पेक्टर गंगा जख्मी हुए हैं, देखते नहीं उन्होंने इशारे से मना किया है। यह अचानक गड़बड़ कैसे हुई? पता नहीं, चलो वापस चलते हैं, मैसेज मिलने पर मालूम हो जाएगा। चलो। ओके सर। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे हमले से पहले पुलिस वहां पहुंच गई हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा शक गलत है। गलत क्या है, ठीक क्या है खान बाबा, वही तो पता करना है मुझको। हम तुम्हारे बाजू से गोली निकालना चाहते हैं। गोली निकालना चाहते हो? मुझे नहीं निकालनी गोली। गोली निकालना जरूरी है, वरना तुम्हारे सारे जिस्म में जहर फैल जाएगा। जहर मेरे जिस्म में नहीं, मेरे दिल में फैल चुका है, तुम सबके खिलाफ। पुलिस को खबर कैसे हुई? ये डाकुओं का जत्था है या गद्दारों का? किसी एक गद्दार के लिए हम सब पर इल्जाम मत लगाओ संग्राम। और गद्दार कौन है यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। तुम वक्त का इंतजार करते रहो,
लेकिन मुझे यहां नहीं रहना, मैं जा रहा हूं। संग्राम, ऐसी हालत में तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं मर नहीं जाऊंगा सरदार, पहले भी ऐसी कई गोलियां खा चुका हूं। तुम यहां से नहीं जाओगे, ये हमारा हुक्म है। विजय, निकालो गोली। संग्राम, मैंने तुम पर शक किया था, क्या तुम ये बात भूल सकते हो? इससे ज्यादा मैं ये याद रखूंगा, मुझे बचाया भी तुम्हीं ने था। अरे तुम अब तक सोए नहीं? तुम इस वक्त कैसे आ गए? तुम्हें देखने आया था, सोचा गहरा जख्म है, शायद तुम्हें नींद नहीं आ रही हो। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं, कुछ अकेलापन महसूस कर रहा हूं। इतने साथियों के होते हुए? इन्हीं साथियों को देखकर तो पता चलता है कि जिंदगी मौत की तलवार की तरह सर पर लटक रही है। डाकू की जिंदगी तुम्हें पसंद नहीं? अपना मुकद्दर अपनी पसंद से कौन चुनता है? बहुत उदासी की बातें कर रहे हो। ना जाने तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, शायद इसलिए कि दुनिया में मेरा कोई नहीं। मां कब मरी याद नहीं, बाप से प्यार मिला ही नहीं। हां भाई होता तो उसी से दिल की बातें करता। मुझे अपने भाई समझ लो, मुझसे दिल की बातें करो। क्यों, किसी पर दिल आ गया क्या? हाँ आ तो गया है, है? क्या हुआ? 11 बज गए। ओ तुम सो जाओ, बातें फिर करेंगे। तुमसे अपने सुहाग की रक्षा मांगी थी, अब अपने बेटे की सुरक्षा की विनती करती हूं। उसे कब देख सकूंगी, उसे कब मिल सकूंगी? आओ विजय आओ, ये हमारा गरीब खाना है। अच्छा गरीब खाना, बैठो। अब तुम्हें लाई हूं तो तुम्हारी खातिरदारी भी तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले माजी से मिलवा दो। माजी से? माजी से मिलने की इतनी बेचैनी क्यों? जल्दी से उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और फिर तुम जल्दी से खिसक जाओगे, है ना? भी आई। लो डैडी आ गए। डैडी ये मेरे, जी नहीं ये विजय है, मेरा मतलब है इनका नाम विजय है। नमस्ते। कुछ दिन पहले तुम ही सरिता की मां से मिले थे ना? जी। बैठो। जी बस मैं यहीं ठीक हूं। बैठ जाओ। तुम करते क्या हो? जी यही। नमस्ते। जीते रहो मां जी। मां जी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है। फिर यूं मुझसे ठीक तरह से मिली भी नहीं, क्या बात है बाबूजी? एकदम से समझ में नहीं आया कि आपको क्या कहूं। और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने झंझोड़ दिया हो। बेटा जी।
राजे के लिए परेशान। आज के दिन उनके लिए सभी परेशान हो जाते हैं। बरसों पहले आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन गोद जड़ गई थी, कलेजा फट गया था। एक मासूम फरिश्ता, हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था। माँ जी, माँ जी, क्या गंगा में हर साल बाढ़ आती रहेगी? बोलो माँ जी, क्या इस हालात को रोकने का कोई तरीका नहीं? बेटा, तुम्हारा बेटा हमसे बिछड़ा और मुझसे मेरी माँ, जमाने हो गए किसी ने प्यार से बेटा नहीं कहा। बेटे, और जुर्म तो यह है कि हम मर्द कहलाते हैं, रो भी नहीं सकते। आज तुम रो लो, जी भर के रो लो, मैं उन्हें खुशी के आंसू समझूंगा। और कोई इलाज नहीं मेरे पास। अब मैं नहीं रोऊंगी, और क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आशीर्वाद। भगवान करे तुझ पर कभी कोई आज ना आए। फिर कब आओगी? अब तो रोज आया करूंगा माँ जी। झूठ मम्मी, ये झूठ भी बड़े मजे में बोल जाते हैं। तो बहुत कुछ जानती है इसके बारे में? जी नहीं, मैं शायद इनके बारे में कभी कुछ जान नहीं सकूंगी। अच्छा, मैं खाना बनाती हूँ, तो इसे जाने मत देना। अच्छा। आज जी भर की बातें करेंगे, बैठो बेटे। जी माँ जी को मेरे बारे में बहकाया जा रहा था ना? झूठ क्या था इसमें, मैं तुम्हारे बारे में जानती ही क्या हूँ। पुलिस कह दो तुम्हें पकड़ ले। क्या? अरे घबराते क्यों, ये लोग तो अक्सर डैडी से सलाह मशवरा लेने आ जाया करते हैं। बाबूजी से? हाँ, डैडी अपने जमाने के मशहूर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, इंस्पेक्टर शेखर। अरे गजब हो गए हो, बड़ा भारी गजब हो गए हो। क्या गजब हो गया? अरे सबको पता चल जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा। अब फूल ना बेचने का, मैंने बंदूक चलानी सिखा दो। अरे लगे मारा काम हो गया। तू बकवास ही करता रहेगा या कोई काम की बात भी करेगा? अरे संग्राम जी, काम की बात तो वो करने लगे विजय भैया। क्या कर रहे हैं वो? इसक भरमा रहे हैं, इसक है। इसक ने गालिब निकम्मा कर दियो, वरना वो भी आदमी थे काम के, गालिब। किससे इसक फरमा रहे हैं? मारी पाड़ वाली तो छूट गई। हाँ। पता नहीं कौन घेरे में है, किससे किस्मत लड़ी, किससे आई, न जाने के होयो। विजय भैया आ गए, उनसे मिलके बताता हूँ। विजय भैया, थारे इसका भांडा फूट गयो, मगर मैंने संग्राम जी को लमटिया का नाम नहीं बताया, क्योंकि मैंने मालूम ही नहीं था के नाम है लौंडिया का। ठीक है, तो फिर विजय ही बताएगा। आओ विजय। हाँ विजय बताएगा। बैठो, बोलो क्या चक्कर है? विजय भैया बताएगा, मैं तो चालू। कौन है वो? क्या बताऊं, बड़ी उलझन में पड़ गया। क्या उलझन है, हमें भी बताओ, हम सुलझा देंगे। मैं अपनी उड़ान में बिना सोचे समझे बहुत दूर निकल गया। कितनी दूर? इंस्पेक्टर शेखर के बंगले तक। सरिता उनकी बेटी है और इंस्पेक्टर गंगा उसका भाई। किस्मत भी कहां ले आई, प्यार भी हुआ तो गंगा की बहन से। गंगा की बहन से प्यार, और वो भी एक डाकू का? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे? मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या हो गया? दुनिया भर में और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? प्यार भी किया तो पुलिस वालों के घर में? कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया तुमने। क्या वो जानती है कि तुम कौन हो? नहीं, मुझे भी आज ही मालूम हुआ कि वो कौन है। तो फिर भूल जाओ उसे, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, भून दिए जाओगे। यही तो उलझन है, मैं उसे पा भी नहीं सकता, खो भी नहीं सकता। अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो तो उसके पास जाओ, उसे मिलो, उसे कह दो कि तुम कौन हो, तुम एक डाकू हो।
तो फिर शायद वही तुम्हारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। थ्री एक्स बोल रहा हूँ। यस थ्री एक्स। मेरी बहन सरिता से एक नौजवान मिलने आ रहा है, उसका पीछा किया जाए। जहां वो नौजवान पहुंचेगा वही विक्रम डाकू का अड्डा है। और सुनो, उस नौजवान को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि उसका पीछा किया जा रहा है। इंस्पेक्टर बाली से कहो यह इंस्पेक्टर गंगा का ऑर्डर है। ओबा रामजादे, अत्तार, तूने मुझे धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या हुआ? हम सब खतरे में। ठाकुर, विजय शेखर की बेटी सरिता से मिलने गया, उसे बचाओ ठाकुर, उसे बचाओ। लेकिन तुम्हारी हालत किसने बनाई? संग्राम ने, उसने हमें धोखा दिया ठाकुर, हम सबको धोखा दिया। वो डाकू नहीं है। कौन? पीछा करो उस धोखेबाज का, उसे जिंदा हमारे सामने पकड़ कर लाओ। उजागर सिंह को जान से मारकर तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते।
मेरे भाई को मारा। किसने? कमीने कुत्ते, तूने मेरे भाई को मारा। मैं तेरी जान ले लूंगी, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मैं तेरे जान नहीं, इसका फैसला सरकार करेंगे। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने मुझे डराने के लिए डाकू का भेष बदला है। ये भेष नहीं है सरिता, यही मेरा असली रूप है। विजय, विजय सिंह कहो, ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा। तुम डाकू विक्रम सिंह के बेटे हो, जिसने हमारा घर बर्बाद किया, जिसके नाम से मुझे नफरत है। अब तुम्हें मेरे नाम से भी नफरत हो जाएगी। तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं खुद नहीं जानता कि मैंने धोखा दिया है या धोखा खाया है। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। और तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए लो ये बंदूक और मुझे गोलियों से छलनी कर दो, तुम्हारे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। संग्राम। कौन हो तुम? संग्राम। अच्छा, तो तुम्हारा नाम संग्राम है। कौन हो तुम? संग्राम। मैं पूछता हूं कौन? संग्राम। कब तक झूठ बोलते रहोगे, कब तक धोखा देते रहोगे? मेरा नाम संग्राम है और मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुमने धोखा दिया है, उजागर को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया, और ये सोचकर भाग गए कि तुम सदा से बच जाओगे। उजागर ने मरते वक्त ना जाने क्या बक दिया और तुमने सच मान लिया। उजागर ने जीते जी कभी झूठ नहीं बोला और तुम कम से कम मरते वक्त झूठ नहीं बोलोगे। तुम संग्राम हो या डाकू, इसका भी पता चलता है। मुसाफिर? तो तुम संग्राम हो? हाँ। तो ये भेष क्यों बदला तुमने? मैं डाकू हूं, पुलिस से बचने के लिए हमें हजार बार भेष बदलना पड़ता है। पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि हमारी टोली में आने के लिए। हम जानते हैं तुम कौन हो, तुम इंस्पेक्टर गंगा हो। डाकू संग्राम हो? नहीं, तुम गंगा हो, मेरे जानी दुश्मन इंस्पेक्टर शेखर के बेटे गंगा हो तुम। मैं डाकू संग्राम हूं। नहीं, तुम गंगा हो, जो तुम्हारी हिम्मत बता रही हमारा दिल कहता है। तुम गंगा हो क्योंकि अपनी मौत के मुंह में जाने वाले के पास शेर का कलेजा चाहिए और वो शेर का कलेजा तुम इंस्पेक्टर गंगा के पास है। तुम गंगा हो, गंगा गंगा हो तुम। मैं डाकू संग्राम हूं। अगर तुम संग्राम हो तो तुमने उजागर की जान क्यों ली? उसने मुझे बहन की गाली दी थी। अच्छा, बहुत प्यार करते हो अपनी बहन को, लाना इसकी बहन को। कौन है ये लड़की, इसे यहां क्यों लाया? मैं इसे नहीं जानता। तुम नहीं जानते इसे? तुम तो इसे जानती हो ना, अपने भाई को पहचानती हो ना? नहीं, ये मेरा भाई नहीं है, मेरे भैया तो इंस्पेक्टर गंगा है।
और ये इंस्पेक्टर गंगा नहीं है? नहीं, 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 नहीं। छोड़ो मुझे। तुम तो शेखर की बेटी हो ना? शेखर, शेखर ने हमारी बेटी, हमारी आंखों की रोशनी हमसे छीन ली थी। नहीं, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, बल्कि बल्कि इन मासूम आंखों की रोशनी छीन लेंगे हम, इन मासूम आंखों की रोशनी छीन लेंगे। अपने भाई को नहीं पहचान सकती, उनका फूट जाना ही अच्छा है। रुक जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं इंस्पेक्टर गंगा हूं। तुमने मेरी आंखें फूट जाती तो क्या फर्क पड़ता? तुम तो सलामत रहते। माँ और बाबू जी को तुम्हारी जरूरत है भैया, तुम्हारी जरूरत है। नहीं 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 भैया नहीं। तुम मेरे बाप जैसे हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भैया को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे भैया को छोड़ दो। गंगा की बहन और इंस्पेक्टर शेखर की बेटी, इस कमीने का पांव नहीं पड़ेगी और ना ही जलील से अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगेगी। ये जालिम है, ये खूनी है, ये जल्लाद है, और एक दिन ये कुत्ते की मौत मरेगा। मैं तुझे मारूंगा। नहीं सरदार, तुम इसे नहीं मारोगे। इसने मेरे भाई को मारा है, इसकी जान पे सिर्फ मेरा हक है। मैं इसकी मौत को तमाशा बनाऊंगी। इतनी आसानी से मैं इसे नहीं मरने दूंगी। शोले बरस रहे हैं, जली है
से पलटता है, मुझे इसी दिन का इंतजार था। अपने आदमियों से कह दे के बंदूकें फेंक दें, बोल नहीं तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी के अंदर होंगी। बोल, फेंक दो बंदूकें। चलो सब लोग। पूनम, तुम इन सब पर कड़ी नजर रखना, और अगर कोई अपनी जगह से हिले तो उसे गोली मार देना। चलो चलो इस तरफ, जल्दी चलो, चलो इस तरफ। खान, क्या हुआ उस गद्दार का अंजाम? उसका अंजाम कुछ भी हो, मुझे तो विजय की फिक्र है। वो अब तक नहीं लौटा, अल्लाह ना करे वो किसी आफत में न फंस गया। पलट जा। Thank you.
चल उठा। तू वो कमीना है जिसने मेरे घर को तू वो जलील है जिसने मेरे बाप को अपाहिज बनाया, मेरा भाई मुझसे छीना, तू भाई मुझसे छीना। मेरे बाप पर हाथ उठाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय सिंह, एक बार तुमने मुझे मौका दिया था जब मैं निहत्ता था, आज मैं तुम्हें मौका देता हूं। पुलिस हम बचपन में उठाकर ले गए थे गंगा। ये तुम्हारा छोटा भाई सूरज है। सूरज भैया, सूरज हट जाओ खान। आज इन दोनों भाइयों की मौत मेरे हाथों लिखी है। ठाकुर बाबा, ये तुमने क्या किया बाबा? हमारे लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। बेटे, अल्लाह ने गुनहगार के साथ इंसाफ किया है। मैंने आज तक जुल्म का साथ दिया, आज शायद इस खून से मेरे कुछ गुनाहों के धब्बे धुल जाए। या गफूर रहीम, अपने हबीब के सदके में मेरी बहुत आसान कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा 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 देखो, thank you.
नहीं बच सकोगे। आज इंस्पेक्टर शेखर का बेटा तुम्हें ललकार रहा है। आज मैं अपने माँ बाप और खान बाबा के खून का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। विक्रम का पीछा कर रहा है। नहीं, विक्रम मेरा शिकार है, उससे बदला मैं लूंगा। नहीं सूरज, विक्रम को हमें जिंदा पकड़ना है और यह काम कानून का है। दंगा यह काम कर रहा है। विक्रम रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। चला गोली, अब चला गोली, तेरी गोली मुझे नहीं तेरी बहन को लगेगी। चला गोली। सरिता को छोड़ दो। बोल रहे अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी बेटी को नीचे फेंक दूंगा। किसकी बेटी को फेंक रहे हो विक्रम? मेरे बाप की बेटी को या अपनी बेटी को? सरिता तुम्हारी बेटी है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा तो तकदीर ने तुम्हारे साथ किया है। ये देखो और पहचानो इसे। ये वही बच्ची है जो आज से 20 साल पहले देवी के मेले में खो गई थी और तुमने ये समझा था कि यह मर गई है। गौर से देखो और याद करो। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?
विक्रम, मेरी मां ने और मेरे बाप ने सरिता को अपनी बेटी समझकर दुनिया की सारी खुशियां दी, इसे उस काबिल बनाया कि आज किसी भी मां बाप को सरिता पर नाज हो सकता है। मेरी बेटी है, मेरी मुन्नी है, मेरी दीपा है। औलाद के बिछड़ने का गम जानता हूं विक्रम सिंह, कानून तुम्हें कोई भी सजा दे लेकिन एक बाप दूसरे बाप को माफ करता है। नहीं, मैं माफी के लायक नहीं हूं। गंगा, गोली मार मुझे, गोली मार मार के सीने को ठंडी कर दे, मैं जीना नहीं चाहता। गंगा मुझे गोली मार, गोली मार। नहीं विक्रम, जिंदगी से छुटकारा तो तुम्हें सिर्फ कानून ही दे सकता है, मेरा काम तुम्हें गिरफ्तार करना है। मार दे, मुझे मार दे, मैं जीने के लायक नहीं, मुझे मार दे, मार मार सके मेरा सीना चलने कर दे, मैं टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार दे, मुझे इंसान को जीने का कोई हक नहीं, बेटा मुझे मार, मुझे मार दे बेटा, मुझे मार दे, मुझे मार दे। बेटा। हाँ बाबू जी, मैं भी सजा का हकदार हूं। जल्दी से शादी कर डाल इसकी। हाँ, कोई इसके लिए बहुत तड़प रहा है। तुम अपनी भी तो बताओ भैया, कोई तुम्हारे लिए भी तो तड़प रहा है। अरे हाँ, छजुआ खाएगी छजुआ। हाँ देख, आज मेरे कन्ने 2 रुपया है, पूरा 2 रुपया मुझे उस पार ले चल। अब तेरा वहां क्या काम? तूने उस दिन कहा था ना, मेरी ससुराल है उस पार, मेरी नहीं तेरी ससुराल है उस पार। क्या? हाँ चल, तुझे मम्मी डैडी से मिलवाता हूँ, वो आप तो सारी, तुम्हें बापू से और माँ से मिलवाता हूँ, चलेगी? हाँ भेजू।